आप सबके बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर शुभकामना हो और आप सभी लोगों के जो खड़ा बैठल जो नीचे बैठल है जो कुर्सी में बैठल है सबके हमारे नमस्कार प्रणाम है और साथ में हमने उनकर भी बहुत आभारी है जो जो भी युवा मोर्चा समिति नवोदय के सदस्य है भाई साहब जिन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को जो इंदौर के महू में हुआ था। देखिए देखा भैया लोगन ऐसे है ना प्रणाम जी ऐसा हो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान का निर्माण करवले रहे हैं संविधान का निर्माण करा लेना मजाक ना हो बहुत जिगर के बात हो। संविधान का है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आखिरकार शादी ब्याह से रहेगा तो हमने विधान बनावल जला वो विधान हमारे को हो मगर जवन विधान पूरे देश के जिले बदे नियम कानून कायदा तरीका हमारे देश के लोग कैसे रहे हैं हाँ ऐसे रहे ये तरीका के जब सुव्यवस्थित सुसंगठित ढंग से जब एक निर्माण भेल एक कागज पर लिखाओल तब एक नाम देल गल संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भैया अरे जो लकी कोठरिया में जो लकी कोठरिया में रात के अंधरिया में जो लकी कोठरिया में रच रच बना संविधान अरे रच रच अम्बेडकर जी को हम मानेला मानते हैं मगर हम देखते हैं दोस्तों हम जैसे मोदी जी के दिल की बात में उनकी बात निकलती है मेरे मन में भी सवाल उठते हैं हर कोई कि मैं सिर्फ नागरिक के सामने देखता हूँ कि अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है और किसी के पर मैं नहीं देखता कहीं नहीं देखता। सबके दिल के अंदर भाव है तो भाव दिल से बनाएंगे तभी बनेगा इसी दिन में सब कुछ है। तो अम्बेडकर जी का हमने जयंती मनाई थी मगर हमने कहीं जाना बहुत जरूर प्रधान जी अम्बेडकर जी का कहना है कि ये
व्यक्ति मेहनत करत हो कहीं ऊंचाई के छू सकला, कोई भी व्यक्ति भैया भी हो सकला, बच्चा भी हो सकला, हम जब फोटो खींचे भी बच्ची भी हो सकली, कोई भी हो सकता है, कोई भी आसमान की बुलंदियों को छू सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। आपके अंदर वो शक्ति हो, बाबा भीमराव जी अम्बेडकर जी संविधान के अंतर्गत नियम बने हैं कि कोई भी अगर वो योग्यता रखता है, अपनी काबिलियत रखता है, तो हिंदुस्तान शासन कर सकता है, हिंदुस्तान की गति को संभाल सकता है। इसी संविधान के निर्माता ने आरक्षण दिया, जिसको अब धीरे धीरे इसको संशोधन के नाम पर हमारी सरकार कह रही है कि हम इसका संशोधन कर रहे हैं, और संशोधन के नाम पर धीरे धीरे आरक्षण का खत्म हो रहा है, जिससे गरीबों का हक उनसे छीना जा रहा है। आप लोगों का हक छीना ही जाते हैं, मगर हमारे यहाँ राजनीति ना करके है। अगर आप लोग सोचे थे कि हम राजनीति वाला है तो ऐसी बात ना है, हम एक साधारण इंसान है, मगर क्रांति क्रांति का होगा जीवन व्यवस्था में परिवर्तन, ये क्रांति हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, क्रांतिकारी भाव होना चाहिए, तभी हम अपने लिए अपने देश के लिए अपने समाज के लिए कुछ कर सकल जला हम हैं, और ना ही न कर सकल जाए तो हर साल अम्बेडकर जयंती आई इस तरह भंडारा में खाना पीना खाइए अपने घर चल जाइए, मगर आज से सब लोग छोटा बड़ा सब लोग जंगल कि अपने हक का लड़ाई सबके लड़े के हो, अंडे बच्चे समेत सबके लड़े के हो, तभी खींचा पूरा हो अम्बेडकर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय भीमराव अम्बेडकर जी, धन्यवाद।